आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 मॉडल आंसर की अपडेट है, और उसी के साथ ही रिज़ल्ट न्यूज़ अपडेट है, और आज का लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है। और जो आज अपडेट है रिज़ल्ट का, वो अपडेट दिया है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा। आज अपडेट दिया गया है रिज़ल्ट से रिलेटेड। तो चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, जो कि उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, वो दोनों ही मौजूद थे। दोनों ने अपने ओर से कुछ बातें कही है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने प्रेमचंद बैरवा जी हैं, और इन्होंने आज ही अपने भाषण में ये बताया है कि जो हम 1936 जो पोस्टें हैं उनको फिलअप करने की इनकी क्या योजना है, जैसे कि वो जुड़ी हुई है हमारी आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 से डायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो रिज़ल्ट है वो अगस्त और सितंबर में आना शुरू हो जाएंगे, और इंटरव्यू भी जैसे ही रिज़ल्ट आते हैं इंटरव्यू कंडक्ट होंगे 15 दिन के अंदर, और सेम डे ही जब आखिरी दिन होगा उस इंटरव्यू, उस मतलब उस विषय के इंटरव्यू का जो लास्ट डेट दिन होगा, उस लास्ट दिन पे ही आरपीसी के द्वारा फाइनल रिजल्ट घोषित की जाती है, और उसके 15 दिन या 1 महीने के अंदर वो आरपीसी अपनी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को सौंप देती है, और डिपार्टमेंट 15 से 1 महीने के अंदर उस पोस्टिंग देना शुरू कर देता है, काउंसलिंग करवाता है और पोस्टिंग दे देता है। तो इन्होंने आज ये कहा है कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान में, इन्होंने आज साफ कह दिया कि सितंबर 2024 को हम पोस्टिंग देना शुरू कर देंगे। इन शॉर्ट में ये कहा था उन्होंने, लेकिन जितना हम इसको समझ पा रहे हैं ना, ये वही बातें होने जा रही है कि अगस्त या सितंबर में आरपीसी 100% रिज़ल्ट घोषित कर देगी। ये रिज़ल्ट जो है वो आपकी जो पहले सब्जेक्ट हुए उनके पहले आएगी, या छोटे सब्जेक्ट की पहले आएगी, वो आरपीसी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग उनको डिक्लेयर करती जाएगी। और जैसे ही वो डिक्लेयर करेगी, हैंड टू हैंड विद इन अ 10 डे या 15 डेज में इंटरव्यू कंडक्ट कराना शुरू कर देगी। इंटरव्यू कंडक्ट करवाते ही आपको रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को भेज देगी, और डिपार्टमेंट 15 से 1 महीने के अंदर अंदर उसकी पोस्टिंग देना शुरू कर देंगे। तो जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनका तो यही कहना था कि सितंबर 2024 को हम पोस्टिंग देना शुरू कर देंगे, जबकि जितना हम समझ पा रहे हैं कि जो कि फैक्ट दिख रहा है ना, वो फैक्ट इतना दिख रहा है कि कितना भी जल्दी कर लो ना, तो अगस्त और सितंबर में रिज़ल्ट तो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, प्राइमरी रिज़ल्ट। उसके बाद इंटरव्यू शुरू होंगे, इंटरव्यू शुरू होने के बाद रिकमेंडेशन जाएगी, और रिकमेंडेशन के बाद पोस्टिंग जाएगी। तो पोस्ट तो डेफिनेटली जनवरी 2025 में तो 100% पोस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। बस वो सब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि आरपीसी पहले किस सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रही है, किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू करवा रही है, किसकी रिकमेंडेशन कर रही है। तो अच्छी न्यूज़ है, बहुत जल्दी पोस्टिंग मिलने जा रही है। अभी भी 6 महीने के अंदर भी अगर पोस्टिंग मिल जाती है, कुछ सब्जेक्ट की स्टार्ट हो जाती है, तो अच्छी बात है। और ये आज लेटेस्ट अपडेट बताया मैंने आपको। और दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं या पहले से लगे हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आज ही मुख्यमंत्री के द्वारा, श्री भजन लाल जी के द्वारा ये बताया गया कि जो रिटायरमेंट की एज 60 ईयर है, उसको बढ़ाकर 65 करने पर विचार कर रही है राजस्थान सरकार। तो 65 हो जाती है तो सबके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ जाएगी। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको और भी दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडल आंसर की। जितना मतलब इनपुट मिल रहा था कि आज आरपीसी के द्वारा आंसर की रिलीज करने वाले थे कुछ सब्जेक्ट की,
लेकिन हमें तो वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आज पूरा दिन निकल चुका है, आंसर की रिलीज़ नहीं की गई। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में आपको फिर से यानी कुछ कुछ सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज़ कर देगी आरपीसी, और ये आपको सारे सब्जेक्ट की आंसर की आपको मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक, और रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे आपके अगस्त से सितंबर तक 100% है। तो जैसे ही आरपीसी से नया अपडेट आता है, मॉडल आंसर की भी रिलीज़ करती है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।